हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अगर किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से अगर आप लोन लेते हो तो सेटलमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर बैंक आपको डिस्काउंट्स देता है। जब कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको डिस्काउंट देता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत राहत की बात होती है किसी भी कस्टमर के लिए। पर अब 2024 में अब आरबीआई और आपके बैंक आपको एक रुपये भी डिस्काउंट देने नहीं जा रहे। आपने जितना भी लोन लिया था अब आपको पूरा लोन पे करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी बैंक से 10 लाख का लोन लिया है तो विथ इंटरेस्ट आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा और आपके लोन में से एक रुपया भी नहीं माफ़ किया जाएगा। वर्ष 2024 के बारे में बोला जा रहा है, ये लगभग सभी बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए बताया जा रहा है। अगर आपका किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन चल रहा है तो अब आपको अब आने वाले समय में डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा। ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे मैसेज किया, बोला कि सर क्या फ्यूचर में अब लोन में कभी भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी भी बैंक से एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको डिस्काउंट्स और सेटलमेंट के जो ऑफ़र मिलते थे उनको अब नहीं मिलेगा। पर अभी भी आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको आज के डेट में भी डिस्काउंट सब कुछ मिलेगा। जैसे कि हमने बताया कि हमारा एक अभियान चल रहा है, देश में जो कर्ज़ा के तले बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कर्ज के बोझ के चले दब जाते हैं, अब उनकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो अपने ईएमआईज को पे कर पाए, क्योंकि देश में लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमने आपको क्या बोला था, अगर आपका लोन किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से चल रहा है और आप अपने लोन को नहीं पे कर पा रहे तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लोन को कम से कम पैसे में सेटलमेंट करा लें। तो हमने इस लोन के रिगार्डिंग कुछ कंडीशन बताए थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो जेन्युइन में उनके पास अब पैसे नहीं हैं। वो बैंक उनके साथ अगर मिसबिहेव करता है, बैंक उनको टॉर्चर करता है, रिकवरी एजेंट के माध्यम से भी अगर उन्हें परेशान करता है तो उनके पास अभी पैसे ही नहीं है कि अपने ईएमआई को पे करें। तो ऐसे केसेस में बैंक उनको कितना डिस्काउंट दे सकता है? तो मैंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जिनका पैंडमिक के कारण उनका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया, ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो किसान भाई है जिन्होंने लोन लिया और अभी इस कंडीशन पे ही नहीं है कि अपने लोन ईएमआई को वो पे कर सके, और बहुत सारे कंडीशन है जो बैंक की गलत नीतियों के कारण अपने लोन को डुबा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में अब लोन नहीं पे कर सकते। तो मैंने उनको बोला था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आपको अपनी पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि जितने भी लोग अपने लोन में सेटलमेंट कराना चाहते हैं, कुछ टाइम चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी पूरी समस्याओं को हमसे बताना पड़ेगा कि आपकी क्या समस्या है, आपने क्यों लोन नहीं पे कर पाया। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो उनको समस्या है पर उनको पता ही नहीं है कि उनको बैंक प्रताड़ित कर रहा है, बैंक उनका शोषण कर रहा है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग को शायद पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोग सीधे लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो अगर आपके साथ भी अगर ये समस्या हो रहा है, अगर आप नहीं लिख पढ़ सकते, आप अपना एक वीडियो बना लो, वीडियो अपने फ़ोन से बना लीजिए। अगर आपकी जो भी समस्या है, बैंक आपको किस तरह प्रताड़ित कर रहा है, बैंक आपको कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, बैंक से जब भी आप बात करने जाते हो बैंक आपको सपोर्ट नहीं करता, आप उस चीज़ की एक वीडियो बना लो, वीडियो हमें सेंड कर दो, हमारे टीम द्वारा पूरे वीडियो को वेरीफाई किया जाएगा कि आपकी जो समस्या है उसको सुना जाएगा और आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या, और जितने भी लोग अपनी समस्या भेजिए अपना नाम नंबर, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द संपर्क करेगी। अगर आपको ज़रूरत लगता है कि हमारी टीम को, अगर ये लगता है कि नहीं आपको ज़रूरत है, आप हमको पर्सनली हमसे बात करना है, तो हम भी आपसे पर्सनली बात करेंगे, आपके लोन के बारे में समझेंगे। अगर आपने किसी से भी बिजनेस लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, पर्सनल लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड है, ऐसी कोई भी समस्या है जिसके निदान के लिए अगर आपसे हमें बात करना है तो हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे। और रहा बात सेटलमेंट का, तो देखिए सेटलमेंट में मैंने आपको बताया कि आरबीआई बहुत सारे लोगों को सेटलमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में इनकम कर रहे हैं, उनका पैरेलल इनकम चल रहा है, पर किसी न किसी लिहाज से बैंक को धोखा दे रहे हैं, उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो बैंक को पैसे नहीं पे कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जितना भी सेटलमेंट की प्रोसेस चल रही थी उन सभी प्रोसेस को रोका गया है,
ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो जानबूझकर पैसे नहीं भर रहे थे, वो सेटलमेंट प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहते थे। तो आरबीआई ने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैन्युअली डिडक्ट किया है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि अगर आप सेटलमेंट प्रक्रिया के बारे में बोलते थे तो ये जो मंथ होता है दिसंबर से लेकर मार्च तक का, इसमें ज़्यादातर लोन को सेटल किया जाता है, क्योंकि बैंक की तरफ अगर मान लीजिए अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे तो आपके पास 10% का दबाव होगा। सेम टाइम पे बैंक के ऊपर अभी 90% का दबाव होता है कि किसी भी तरह लोन को समाप्त करें। जब बात लोन को समाप्त करने की होती है तो बैंक के पास अभी क्या होगा, मान लीजिए बैंक से अगर आपका लेन देन चल रहा है, आप पैसे नहीं दे पा रहे, अगर बैंक अगर इस समय अड़ जाए कि नहीं हम पूरे पैसे लेंगे, आपके जितने भी पैसे निकलते हैं ब्याज सहित हम पूरे पैसे रिकवर करेंगे, तो ना आपके पास अभी पैसा होगा ना आप उसको पे कर पाओगे, तो ये पूरी प्रक्रिया का कोई भी मूलभूत आधार नहीं रह जाता। पर इस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेटलमेंट करवाते हैं। हम आपको बताते हैं सेटलमेंट प्रक्रिया कभी भी रुकने वाली नहीं है, ये आदिकाल से भी चल रही थी और अनंत काल तक चलेगी। अगर आपको सेटलमेंट करवाना है, अगर आप जेन्युइन कस्टमर हो, देखिए सेटलमेंट के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि सेटलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बैंक और आपके बीच में होता है। जब बैंक आपसे ये सुनिश्चित कर लेता है कि इस कस्टमर को अगर हम कुछ भी करें तो ये पैसे नहीं देगा, इसके पास पैसे है ही नहीं, पैसे पे कहाँ से करेगा। जब बैंक को ये कन्फर्म हो जाता है कि हम आपसे पैसे नहीं रिकवर कर पाए, और ये चीज़ कब होगा, कभी एक चीज़ समझिए कि आप ये कब निश्चित कर पाओगे कि आपके पास पैसे नहीं है, जब आपका कमाई का कोई साधन नहीं है, जो कमाई के लिए आपने लोन लिया था वो कमाई पूरी तरह से डूब चुका है। अब ये सरकारी एम्प्लॉय बोले कि मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो ये बैंक किसी भी तरह से मानेगा। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति बोले कि मेरे पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, जिसकी अलग अलग बैंक शाखाओं में अलग अलग बैंक खाताओं पर इनकम शो कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने जिस बैंक से लोन लिया है हमने उस बैंक से ट्रांजेक्शन बंद कर दिया है। आज के डेट में आपका हर बैंक पैन कार्ड से लिंक है, और पैन कार्ड आधार से लिंक है, और आपका आधार कार्ड कहीं ना कहीं सभी जगह पे लिस्टेड है। तो अगर आप बैंक से आज के डेट में अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके पास आमदनी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने जा रहा। तो जितने भी लोग बैंक से झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आरबीआई बोलता है कि आप ग्राउंड पे जाके चेक कीजिए कि ये कस्टमर जानबूझ के तो पैसे नहीं दे रहा। अगर ऐसे पाए जाओगे कि आपने पैसे जानबूझकर बैंक के अटकाए हैं, तो ऐसे विलफुल डिफॉल्टर आप पे कानूनी प्रक्रिया भी होगी और सेटलमेंट तो बहुत दूर का बात है। पर आप एक जेन्युइन कस्टमर हो तो आपको सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह से सपोर्ट करती है, आपके लिए कल भी थी आज भी है। कल भी आपको लोन में अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलते थे, आने वाले समय में भी आपको लोन में अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। और रहा बात सेटलमेंट कैसे करवाएं, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में अगर आप समझना चाहते हो, क्योंकि देखिए सेटलमेंट प्रक्रिया एक छोटे मोटे लोन स्तर पे नहीं होता। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो इसका प्रोसेस अलग होगा, अगर आपका बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, जितने भी प्रक्रिया है उसका लोन सेटलमेंट की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर आता है। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती तो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा होगा, संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आपका भी लोन सेटलमेंट होगा और अच्छे डिस्काउंट्स पे होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।